हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स थे और क्या ट्रेड मैंने लिया था, और कल के लिए क्या लेवल्स हम ध्यान रखेंगे, क्या मोमेंटम हो सकता है। वीकली एक्सपायरी है 7 अप्रैल को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली चार्ट है ये स्पॉट प्राइस बैंक निफ्टी का, और एक गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिला था। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे हम, तो यहाँ पे एक अच्छा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था। कल हमने देखा था कि मार्केट ऑलमोस्ट लो टू लो क्लोज देखने को मिला, और आज लोअर गैप के साथ शुरुआत हुई। सो जैसे कि हमने बोला था कि कोई भी बाउंस मिलता है हम उसको प्ले करेंगे फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे एक अच्छा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद एक पुलबैक देखने को मिला, बट यहीं पे तुरंत रिजेक्शन देखने को मिला और तुरंत बुलिश कैंडल भी देखने को मिला। सो वही EMA 8 जो हमारा पीरियड का स्ट्रेटेजी है, अगर वो भी आप यूज़ करते तो यहाँ पे एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, एंड दिस इज़ अ गुड मूव इन द मॉर्निंग। तो अगर ये कैंडल के नीचे की अगर देखें तो 228 पॉइंट का ये मूव है, 230 पॉइंट का मूव है, सो विच इज़ अ गुड। तो मॉर्निंग में ये एक पुट का एक ट्रेड हमें मिला था, और थ्रू आउट द डे हमने बाद में देखा कि मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन करता गया, बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बुलिश वाइट बॉडी कैंडल देखने को मिला और गुड वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला, अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखोगे। और मैंने ये टेलीग्राम पे लाइव भी शेयर किया था, मेरा जो फ्री चैनल है वहाँ पे ऑप्शंस का डेटा भी एनालिसिस में करता हूँ, वो भी मैंने शेयर किया था कि एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे 37,800 के ऊपर बैंक निफ्टी मूव करे, जबकि यहाँ पे 37,740 के अराउंड वो चल रहा था तब। सो तभी मैंने यहाँ पे एक बुलिश प्ले किया था 37,700 के कॉल के अंदर, और एक अच्छा मूव मिला यहाँ पे। और बाद में वहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला, ये जो दिन का हाई था उसको क्रॉस करके क्लोज देके तुरंत ही नीचे आ गया। सो तुरंत ही मैंने अपना पोजीशन काटा था ये जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका था। सो दो ट्रेड मिला था, एक मॉर्निंग में एक पुट के साइड ट्रेड मिला था, और यहाँ पे एक कॉल का एक ट्रेड मिला था। सो आई हैवंट ट्रेड दिस मूव। उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट में इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं मिल रहा था, और जहाँ पे ऊपर मार्केट आ रहा था सेलिंग ही देखने को मिला था, जितनी बार ऊपर आया फिर से सेलिंग देखने को मिला। तो 37,750 से 800 का एक जोन था जो सेकंड हाफ में उसने क्लियर ही नहीं किया बैंक निफ्टी ने। सो ओवरऑल ये दो ट्रेड मिले थे जो कि एक अच्छे से मोमेंटम करके दे गए। तो कल के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं, तो वही हम देखेंगे कि डेज हाई और लो मार्क कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे है डेज हाई और यहाँ पे है डेज लो, तो ये दोनों लेवल ध्यान में रखेंगे 37,870 के रेंज में, 37,513 के रेंज में है यहाँ पे। तो कल देखते हैं क्या मोमेंटम कर सकते हैं, थोड़ा हाई टाइम फ्रेम लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। अभी देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के साथ ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे उसका पेस बढ़ गया ऊपर जाने का। दो दिन उसने साइडवेज कंसोलिडेट किया, हम बोल सकते हैं कि एक हमें यहाँ पे साइडवेज में भी एक प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिल रहा है, लोअर टॉप्स फॉर्मेशन। उसके बाद सपोर्ट ब्रेक हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और यहाँ पे एक फिर से बेस फॉर्म कर रहा है 37,500 की रेंज में। सो कल अगर मार्केट ओपनिंग में 37,500 ब्रेक कर लेता है गैप के साथ, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे एक बेरिश मूव, और नीचे में 37,150 यहाँ पे ये जो कैंडल का क्लोजिंग है वहीं पे, वहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। मतलब 37,200 के नीचे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, 200-300 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 37,500 के नीचे मैं बैरिश रहूँगा यहाँ पे। अगर मार्केट इसी रेंज में कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है या 37,500 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, सो कल का एक्सपायरी साइडवेज हो सकता है, और ऊपर में 800 के पास रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिल सकता है। सो वीकली एक्सपायरी है इसलिए पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज भी रह सकता है, अगर 37,500 ब्रेक नहीं करता है और अपसाइड में 37,800-850 ब्रेक नहीं करता है। सो ये कल के लिए प्लान रहेगा। हम देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स में क्या मोमेंटम देखने को मिला आज, और कल क्या ध्यान रखेंगे। सो निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, लो टू लो क्लोज हुआ था, हालांकि यहाँ पे सपोर्ट ये ब्रेक नहीं किया था उसने, आज गैप के साथ क्लोज किया नीचे, पहला कैंडल बाउंस बैक दिया, और आप देख रहे हो कि प्रीवियसली जो सपोर्ट था यहाँ पे, ये जो सपोर्ट था वो बहुत ही पावरफुली एक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे। सो दिस कुड बी अ गुड एरिया यहाँ पे, और यहाँ फिर से उसने रीटेस्ट किया एंड दिस इज अ गुड रैली। सो ये एक अच्छा रैली हो सकता था मॉर्निंग में अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो तो।
दिस इज़ अ प्योरली प्राइस एक्शन। आप देख पा रहे हो सिर्फ कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, और अगर हम ईए में भी प्लेस करते हैं सो यहाँ पे भी आप देख रहे हो जैसे सेम बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला था, यहाँ पे भी एक बुलिश वाइट बॉडी कैंडल देखने को मिला, एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला, वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और फिर से ट्रैप में हमने देखा नीचे रैली हुआ। सो काफ़ी अपॉर्चुनिटी थे आज के सेशन में भी, सेकंड हाफ में कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। एंड अभी हम देखते हैं कि लेवल्स कौन से मार्क करने हैं, तो मैं आज के दिन का हाई मार्क कर ले रहा हूँ 17,900 की रेंज में है, और लो मार्क कर ले रहा हूँ 17,780 की रेंज में है। 100 पॉइंट का रेंज के अंदर मार्केट पूरा दिन आज ट्रेड में देखते हुए मिला। कल के लिए प्लान क्या रखेंगे, ये जो बेस फॉर्म कर रहा है सो 17,700 या 650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है तो अच्छा खासा लोअर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम वेट करेंगे 17,700 के नीचे मार्केट आए, जहाँ पे बेस देखने को मिल रहा है 17,780, तो 40-50 पॉइंट का बेस हम रखेंगे, उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो ये जो गैप था यहाँ पे, ये जो क्लोजिंग था वहाँ तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर 17,700 के नीचे नहीं दे रहा है मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज 15 मिनट का कैंडल, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से ये साइडवेज में ट्रेड करेगा और ऊपर में 17,900 का रेजिस्टेंस लेगा बाद में। सो दिस इज़ अ ट्रेड प्लान फॉर टुमारो। सो दैट्स इट, कल के लिए यही प्लान हम रखेंगे और देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनाता है, और देखेंगे फिर कल ऑल रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन।